Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फैसलाबाद की वजह से पाकिस्तान से हमें बाहर से डॉलर्स आते थे क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा थी। ये हमारे इतने बड़े लूम के मजदूर जो लूम की फैक्ट्रियों में काम करते थे, लोग फैक्ट्रियां बेच के रियल एस्टेट में चले गए हैं। फैसलाबाद में पावर लूम सेक्टर आखिरी सांस लेने लगा है। मालिकान लूम ने औने पौने दामों बेच कर कारोबार को ताले लगा दिए हैं। गुलाम अहमदाबाद और फैजाबाद में 5 मजीद पावर लूम्स बंद हो गए हैं। हजारों मजदूर बेरोजगार हुए और हजारों फैक्ट्रीज बंद। पावर लूम्स का पूरे टेक्सटाइल सेक्टर इतना बदतरीन बहरान का शिकार हुआ, इसके सारे का सारा जिम्मेदार साकदार थे। बरामदी ड्यूटी 10% आई की गई थी उसके बाद, और उसके साथ साथ जो सूत्र मंडी में सट्टाबाजी जारी है उसके नतीजे में पावर लूम फैक्ट्रीज जो है वो धड़ाधड़ बंद हो। डोमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों का चूल्हा भी ठंडा पड़ रहा है। फैसलाबाद से अच्छी खबर है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेजी आ गई है। 1990 के बाद पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बहाल हुई है। दीगर ममालिक के जितने भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे अब वो पाकिस्तान को मिलना शुरू हुए हैं, तो उसके बाद जो इंडस्ट्री बंद पड़ी थी अब वो इंडस्ट्री चलना भी शुरू हो गई है, और उसके बायस अब फैसलाबाद की सनत को 2 लाख मजदूर जो हैं उनकी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि दीगर इजलास से मजदूर वो मंगवाना शुरू कर दिए गए हैं।